मेरा नाम एसबी सिंह है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सवाल है कि 13-14 स्कूलों की बिल्डिंगा भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सब कुछ अपना है। दिल्ली के अंदर स्कूलों की स्कैरसिटी भी हैगी है, स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलते, तो फिर भी उस युग के दौरान भी साढ़े स्कूल लॉस्ट ने, जिते साडा किराया भी नहीं पै रहा तो भी साडा लॉस है। साढ़े को बिल्डिंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन साढ़े स्कूलों के ड्रॉप हुई एडमिशन्स पिछले 10-15 साल के। जे मैं एग्जाम्पल देवा पंजाबी बाग स्कूल का, कि अज तो 14 साल पहले, अज तो 12 साल पहले उत्थे 3200 बच्चा पढ़ता सी। जदों मैं टेक ओवर किया सिर्फ 750 बच्चा मैनू उत्थे मिलिया। ना सिचुएशन ये है, ये ड्रॉप क्यों होया? ड्रॉप इसलिए होया कि असी जिन्हां दे कोल भी इहदा निज़ाम रहा उन्होंने इस कॉपी बुक जो सानू कह दिए कि किवें स्कूल चलने चाहिए ने उस तरीके नाल नहीं चलाए, अपने विम्स एंड फैंसीज दे उत्ते चलाए। अनएजुकेटेड टीचर रखे जिन्हां दी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जिहड़े रिश्तेदारी च पैंदे ने या अपनियां वोटां पक्कियां करन वास्ते ये टीचर रखे गए सीगे। सेकंडली, वी आर ओवर इंप्लॉयड विद 450 मैंबरस स्टाफ दे विच। तुसीं इह सोचो 450 बंदा ओवर इंप्लॉयड होवे, उहदे विच प्रोफेशनली एजुकेटेड ना हो, किवें इन्हां चीज़ां नूं असीं ओवरकम कर सकदे सीगे? असीं आंदे ही पहली तो गल इमीजिएट जिहड़ा असीं रिजल्ट वाले पासे इंप्रूव करना चाहते सीगे, असीं वो टीचर्स इंप्लॉय किए जिहड़े टीचर्स दी लोड़ सी सानूं, और उन्होंने इंप्लॉय करन वास्ते एक पैनल बनता सीगा प्रोफेशनल्स दा जिहदे साडे चों कोई नहीं बैठता सीगा, और फिर असीं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया च एडवरटाइज करते सीगे। दी क्वालिटी ऑफ न्यू स्टाफ इज ड्रास्टिकली इंप्रूव जिहड़ियां असीं अपॉइंटमेंट्स कीतियां ने। और तुसीं आख्या कि इन्हां स्कूलों का इन्ना कुछ होने के बावजूद असीं फिर नुकसान च जाने, उहदा कारण इक्को है कि जे 450 बंदे की तनखा मैनूं हर साल देनी पै रही है, उन्हां दे ग्रेचुटी पीएफ दे सानूं फंडिंग देनी पै रही है, उन्हां दे सिक्स पे कमीशन और सिक्स पे कमीशन दे एरियर्स देने पै रहे ने। मैं एक एग्जाम्पल दिना कि जिस दिन मैं चार्ज लिया मेरे ते 165 करोड़ की लाइबिलिटी सिक्स पे कमीशन की सीगी। मेरा ख्याल जो पिछली कमेटियां ने काम ठीक किया होंदा, एक कैबिनेट नहीं होनी सी, टाइम से दिती जा सकती सी, उन्होंने पैसे दिते नहीं। 2007 लागू होंदा, 2014 जाके मैं इंप्लीमेंट करना सिक्स पे कमीशन, एवीएस देने शुरू करना, और अज मैं ये कह सकता ईवन इन्ना टाइट बजट दे विच्चों भी मैं 98.5 करोड़ रुपीस सिक्स पे कमीशन दे एरियर्स और जो तनखावां लागू करके जो मैं फी डिफरेंस, जो मैं तनखाह का डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी पे कर चुका वा। अगों असी स्ट्रीमलाइन कर लिया है, रिटायरमेंट हो रही ने, असी हो सकता है असी हले तक रिट्रेंचमेंट वाले पासे नहीं गए, लेकिन अगर ऐसे को हालात बनेंगे तो इसको सीरियसली सोचा जा सकता है।